गाइस देख रहे हैं कितना उताहुल है ये सब लड़का, काफी एंजॉय करते हैं। चलो मोहसिन तो सब एक साथ जाना ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस सुबह का बज रहा है 5 बज रहा है। तो गाइस हम आ चुके हैं ककोलत के रास्ता में, जैसा कि देखिए यहाँ पे बैरियर लगाया गया है। 6 बजे ये ओपन होगा और गाड़ी को यहाँ पे लगा दिए गए हैं और हम सभी मिलकर जा रहे हैं पैदल, क्योंकि अभी तो जाएगा नहीं गाड़ी। अब वहाँ पहुँचेंगे तो कितना देर बाद लेकर आएंगे हमारे ड्राइवर साहब। तो चलिए चल रहे हैं रास्ते में, वहाँ जाए पड़ता और अभी वहाँ जाना पड़ेगा। देखिए दूरी बहुत है, अभी चल रहे हैं अभी तक। चलिए ककोलत जल प्रपात आ चुके हैं और देखिए सभी जा रहा है और इधर देखिए साइड का सीन। आप यहाँ पे आइएगा तो कोई सामान नहीं लेकर आइएगा तो यहाँ पे खाना बनाने के लिए आपको होटल वगैरह मिल जाएगा। तो अभी तो चालू नहीं है पर आपको सारा सुविधा यहाँ हो जाएगा। हाँ तो अभी बंद है काफ़ी, यानी कि 6-7 बजे के बाद नहीं, नहीं, अभी यहाँ सुविधा कुछ भी नहीं मिलेगा आज, नहीं यानी कि और वक्त में मिलेगा ना। क्या नाम हुआ उसका? रोशन। रोशन कुमार जाते हुए मेरा कैन का बैग लिए हुए है, वही जा रहा है ले करके। और अभी तो साइड साइड में सारा दुकान अभी बंद है, अभी तो कोई दुकान खुला ही नहीं है। और आपको यहाँ से देखिए, और यहाँ पे बताते हैं ककोलत जल प्राप्त तारा में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ तंदूरी रोटी और चिकन उठाने की दीजिएगा, सामान बना के दे दीजिएगा जाएगा। और होटल वगैरह बस इसी आप सभी के सुविधा के लिए सब खोल के रखा है। और यहाँ से जो है स्टार्ट हो रहा है आपको जहाँ पे पानी गिरता है वहाँ जाने के लिए ये सीढ़ी। देखिए अब चल रहे हैं। अरे तुम जूता ऐसे कहाँ रखा है? देखिए बबुआ जूता रखा है हाथ में और पैर को खाली लेकर चल रहा है, हाथ में जूता है और पैर को कष्ट दे रहा है। चलो भी जरूरी है, खाली पैर चलना भी जरूरी है। तो गाइस आज से हम 6 साल पहले यहाँ पे आए थे ना, तो ऐसा सीढ़ी नहीं था बना हुआ, काफ़ी डेंजरस रास्ता से जाना पड़ता था। पर अभी फिलहाल ऐसा बनाया गया है, आदमी को सहारा और जो है ये सीढ़ी बनाया गया है काफ़ी चौड़ा कि आदमी को थकावट ना हो। और देखिए वहाँ से झरना, ककोलत का झरना, ये हमारे बिहार में कश्मीर का फील आप देखिए और मज़ा लीजिए। और यहाँ पे गाइज आप आइएगा कभी नहाने के लिए ना, तो साबुन और शैम्पू यूज नहीं कर कीजिएगा, यहाँ पे अलाउ नहीं है साबुन शैम्पू का। तो गाइज देखिए यही रहा है आपको बिहार का कश्मीर नवादा जिला में ककोलत जल प्रपात। देखिए कितना खूबसूरत है और ये पानी आपको फर्स्ट से आ रहा है। अभी 3-4 पर चलना होगा वो हम नहीं जा पाएंगे, यहीं से हम नहा करके निकल चलेंगे। तो गाइस देखिए, और हम बैक कैमरा से आपको हम दिखाएंगे पूरा इधर। तो गाइस देखिए वहाँ पे सोनू और अमित जा चुका है नहाने के लिए और हम भी जाएंगे, क्योंकि सभी एकाएक ही जाएंगे ना, ये सभी गया हुआ है नहाने के लिए।
और यहाँ से ये देखिए बरसों बादल तुम्हारी आस अब तक रहे, बरसों बादल तुम्हारी आस अब तक रहे, बादल गरजा पानी बरसाए नदियां मछली चली चले। गाइस देख रहे हैं कितना उताहुल है ये सब लड़का, काफी काफी एंजॉय करते हैं। सलाम हुसैन, तो सभी एक साथ जाना ठीक है। चलते हैं हम भी नहाने के लिए, और देखिए सभी मेरे साथी नहा रहे हैं। और कैसा फील हो रहा है छोटो? बहुत अच्छा, ठंडी लग रही है। ठंडी लग रहा है, देखिए ठंडा लग रहा है, और ऊपर किस ओर से जाता है हमको मालूम नहीं है। और जाने का प्रयास करेंगे, जाएगा सर? हाँ जाएंगे जी, जाने का प्रयास से बोल रहे हैं करेंगे, पर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, नहीं जा पाएंगे तो नहीं जा पाएंगे। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आया ना? तो हम भी चलते हैं गाइज, और इंजॉय करते हैं, हम भी देखते हैं कैसा लगा। हाँ दादा, गाइज हम भी अब जा रहे हैं नहाने के लिए, काफ़ी देर का इंतज़ार था कि हम भी जाएंगे, और ये सभी नहा रहा था इसलिए बिजी था, और कैमरा फोटो इतना क्लिक करवाया ना कि मेरा रील्स पूरा भर गया है, समझ सकते हैं। देखिए सभी इंजॉय कर रहा, चलते हैं हम भी नहाने के लिए, और देखिए कैसा होता है आपको हम बताएंगे फिर। धोकर के बाहर आ चुके हैं, और हम निकल रहे हैं अपने गाड़ी की ओर, क्योंकि गाड़ी तो दिखाए आपको कि कहाँ पे लगा हुआ है, और देखिए आवाज़ पूरा भस चुका है, हमारे ड्राइवर साहब भी कॉल कर रहे हैं। तो चलते हैं गाइस यहाँ का, और ये कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।